मेरा नाम है नमन गुप्ता, जवान एम गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वो शुरू करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि 8 सेट्स होंगे इस सीरीज में 8 सेट्स होंगे। उसमें से अपने 2 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सेट 1 का भी और सेट 2 का भी। आई होप आपने उसमें भी आंसर दिए होंगे कमेंट में। तो चलिए अपना सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो सेट 3 को स्टार्ट करने का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें आपको कमेंट कैसे करनी है मैं उसका फॉर्मेट बता देता हूँ। तो उसका फॉर्मेट ये है, अगर आपको कमेंट करनी है 21 क्वेश्चन की तो आप लिखेंगे 21 और फिर ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें लिखेंगे उसका, अगर मान लो ए आंसर है तो ए और फिर ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही 22 में होगा, सेम फॉर्मेट है सभी क्वेश्चन में। आपको इस तरह से आंसर देना है हर क्वेश्चन का, और प्लीज़ हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। अपना सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले। और कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा, और जिसने सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट दिए मैं उसी कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलिए अपने 13th सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी सेट 3 का 21th क्वेश्चन है ये, मतलब सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन और अपने पूरे सेट सीरीज़ का 21th क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इसका ऑप्शन है ए पोर्ट मुंबई, बी चेन्नई पोर्ट और सी कोलकाता पोर्ट, डी विशाखापट्टनम पोर्ट। अपना आंसर बताइए, ऑप्शन इसका आंसर होगा, एक मिनट रुकिए, हम लग गया आपका टाइम चला गया, अपन दोनों सुपरम कर दो आपका। अब जैसे बताइए इसका क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। 7 सेकंड्स हो गए, 8 9 टाइम अप हो चुका है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है चेन्नई पोर्ट, इसका राइट आंसर है इसका बी चेन्नई पोर्ट, इसका राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए अपने 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 22 क्वेश्चन है अपना, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फ्रॉम गंगा। इसके ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी करुणा प्रयाग, डी विष्णु प्रयाग। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जिस वजह से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, एकदम करेक्ट। तो आपका टाइम अप हो चुका है, तो इसका देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है ए देवप्रयाग, इसका एकदम राइट आंसर। अगर आपने ये आंसर दिया होगा तो वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर सेंटर। इसके ऑप्शन है आपके सामने ए नरोरा, बी कोटा, सी चैमेरा, डी ककरपारा। आपका टाइम स्टार्ट होता है आप जल्द से क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। तो आपका टाइम हो चुका है, जैसे बताइए इसका क्या आंसर होगा, आपको अपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है सी चैमेरा, इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगर आपने आंसर दिया है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन, ऑप्शन आपके सामने ए 1839, बी 1848, सी 1843, डी 1833। आपको टाइम स्टार्ट होता है आप जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर दीजिएगा। अगर आप सभी आंसर कमेंट में एकदम राइट आंसर दीजिए तो मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। आपका टाइम हो चुका है, बहुत देर हो गई है, मतलब 2 सेकंड मैंने फालतू दे दिया आपको टाइम। तो इसका आंसर है ए 1839, इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये आंसर दिया है तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज, ऑप्शन ए
कोक्लक्स क्लान, बी डेमोक्रेटिक पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी नाजी पार्टी। आपको टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आपका टाइम हो चुका है तो जल्दी से देखते हैं क्या आंसर होगा। इसका आंसर है डी नाजी पार्टी, इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये आंसर दिया है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द ज्यूडिकेचर ऑफ। आपके सामने ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी ऑल ऑफ अबोव। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपका टाइम अप हो चुका है तो जल्दी से देख सकते क्या आंसर होगा। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबोव, डी ऑल ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये आंसर दिया तो वो बिल्कुल सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है अपना ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ल्ड। आपके सामने ऑप्शन है ए हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, बी लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, सी लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, या डी नन ऑफ द अबोव। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपका टाइम हो चुका है तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है सी, एक मिनट में आपको पूरा दिखा देता हूँ। सी रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये आंसर दिया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 FFC स्टैंड फॉर। ऑप्शन आपके सामने ए फेडरेशन ऑफ फुटबॉल काउंसिल, या बी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी फॉरगेन फाइनेंस कॉरपोरेशन, या फिर डी नन ऑफ अबोव। तो इसका आंसर थे, इसका टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। फिर से बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपका टाइम हो चुका है तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है बी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर है। अगर आपने आंसर दिया तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फॉर्म। ऑप्शन ए रोलिंग टू स्लाइडिंग, बी स्लाइडिंग टू रोलिंग, सी डायनामिक टू स्टेज, डी पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जैसे बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपका टाइम हो चुका है तो देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है बी स्लाइडिंग टू रोलिंग इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये आंसर दिया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 अपने लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फोट बिटवीन। ऑप्शन ए चाइना एंड इजिप्ट, बी चाइना एंड ग्रीस, सी चाइना एंड ब्रिटेन, डी चाइना एंड फ्रांस। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जैसे बताइए इसका क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपका टाइम हो चुका है, जल्दी से देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है सी चाइना एंड ब्रिटेन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चाइना एंड ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। अगर आपने ये आंसर है तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।
चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी पता चले। तो आई होप आपने आंसर दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने एकदम सभी क्वेश्चन करेक्ट आंसर दिए तो मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।